ना तो स्मेल 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 तो हाँ ठीक है फिर थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच कितना टाइम है तो देखो हाय हेलो एवरीवन आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल एंड माय फेसबुक पेज दिस इज तौसिक आज का कंटेंट है Recently, BA second semester students and BA fourth semester students of political science department completely conducted farewell program for the basic semester students of political science department. आप लोगों ने हमारे प्रति इतना कुछ किया है, इतना शेड्यूल टाइट में भी सेमेस्टर एग्जाम भी आने वाला ही था फिर भी आप लोगों ने हमारे लिए इतना सेक्रीफाइस करके टाइम निकाला है और उस प्रोग्राम को सक्सेस कराने के लिए कुछ भाई बहन लोग जो कि पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट में भी नहीं थे जो कि हिंदी में पास भी करने वाला लोग भी आया था वो प्रोग्राम को सक्सेस कराने के लिए इतना सारा गिफ्ट इतना सारा मोटिवेशनल इतना सारा ब्लेसिंग्स आप लोगों ने दिया उस चीज़ को लेके और अर्बन स्टूडेंट्स हम लोग बहुत ही थैंकफुल है और मैं जितना भी आप लोगों ने हमें विशेष किया है आप लोगों ने प्यार दिखाया है उन सब चीज़ को हम लोग कभी नहीं भूलेंगे जब तक ये हमारा जान रहेगा तब तक आप लोगों ने हमारे लिए किया वो याद रहेगा मैं जितना भी अर्बन स्टूडेंट्स है जो सिक्स सेमेस्टर स्टूडेंट्स पॉलिटिकल हिस्ट्री ज्योग्राफी एजुकेशन हिंदी इंग्लिश जो भी हो उन सब से भी एक दो शब्द बोलना चाहूँगा आप लोग जितना भी है काफ़ी दूर दूर जगह से आए हुए हैं कोई कोई बिहार से कोई कोई यूपी से कोई कोई वेस्ट बंगाल से कोई कोई मणिपुर इधर का होता है और विद इन द अरुणाचल प्रदेश के अंदर में कुछ लोग तेराप कुछ लोग चांगलांग कुछ लोग नमसा कुछ लोग ये तवांग से आते हैं यहाँ आज जी में तो पढ़ने के लिए अपना क्वालिटी को इम्प्रूव कराने के लिए और यहाँ में हम लोग जो है दूसरा जगह से आ करके हम लोग एक दूसरे को जान पहचान बनाते हैं फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर के लास्ट सेमेस्टर तक और हमारा कॉलेज ख़त्म होता है तब से हमारा फिर दूरियाँ जो शुरू हो जाता है बढ़ना तो मैं उम्मीद करूँगा कि भले ही हम लोग यहाँ कॉलेज से अलग अलग चले जाएंगे कोई कोई शायद कोचिंग करेंगे यूपीएससी के लिए कोई कोई एपीसीएस के लिए कोचिंग करेंगे कोई कोई मास्टर्स करेंगे कोई कोई डाइट करेंगे काफ़ी सारा कोई कोई एम कॉम करेंगे जो बी कॉम डिपार्टमेंट से है और ऐसे करके काफ़ी सारा फील्ड में हम लोग से डिपार्ट हो जाएगा फिर भी मैं यही उम्मीद करूँगा कि आप लोग कहीं भी हो खुश रहो और जिस तरह आप लोग जो एकेडमिक में एक्सलेंसेस है उसी की तरह अपना लाइफ में भी बहुत कामयाब इंसान बनेंगी और खुशी ज़िंदगी खुशी फैमिली बना के रहेंगी और हम लोग कहीं भी हो किसी भी जगह मिलने से भले ही आप कितना बिजी ना क्यों हो फिर भी एक जुटासस में ज़रूर दे दीजिएगा यही उम्मीद करता हूँ जितना भी आप स्टूडेंट से समझता हूँ इसमें जो है हर कोई फादर्स दादी जो है नहीं कर पाएंगे क्योंकि सम ऑफ पीपल दे आर सफरिंग फ्रॉम देयर डोमेस्टिक प्रॉब्लम सम ऑफ पीपल दे आर फेसिंग फाइनेंशियल प्रॉब्लम बैकग्राउंड फाइनेंशियल साउंडनेस है उन लोग कोचिंग वोचिंग ले सकता है काफ़ी कुछ कर सकता है ऐसा करके हम लोग जो काफ़ी ऐसे बहस में डिबेट हो जाएगा ऐसा है तो उसका बाद कहीं ना कहीं दोबारा जिस तरह आज का दिन में हम लोग एक दूसरे को मिलता है हर सुबह देखता है वैसे नहीं हो पाएगा फिर भी कम्युनिकेट कर सकते हैं आज का टेक्नोलॉजी ज़माना है और मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि जितना भी सिक्स सेमेस्टर स्टूडेंट जो मेरे प्यारे भाई बहन लोग आप लोग ये तौसिक विच मास्टर चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए स्टूडेंट्स लोग में किया जा रहा है खास करके हम लोग अंदर घुसने वाला है जो सो अभी काफी अंधेरा हो चुका है आगे भी देख सकता है कुछ लोग ये प्रोग्राम के बाद प्रोग्राम को अटेंड करने के लिए जा रहे हैं सो आप यहाँ आके आपको कैसे लग रहा है बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ यहाँ पर दिखा सब यहाँ पे दिखो चलो दिखाओ एक बार सब बहुत दुख लग रहा है खत्म हो गया देख सकता है यहाँ पर हमारे स्वागत के लिए ये प्यारी बहन लोग खड़ा है सो बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर आके क्योंकि इस तरह की फेयर में मेरा शायद सेकंड होगा सो बाल लगाइए बहुत अच्छा लग रहा है थैंक यू कितना टाइट है तो थैंक यू सो मच ये काफी टाइट है कोई बात नहीं इट्स ओके कितना टाइट है तकलीफ है तो कोई बात नहीं छोड़ दो
नहीं हो गया ना, थैंक यू सो मच, वेलकम भैया, थैंक यू, हाथ तो मिला लीजिए पहले, वेलकम एंड हैप्पी फेयरवेल, थैंक यू सो मच। अपना जगह गिरा था भाई बहन लोग ने रिक्वेस्ट किया हुआ है, तो यहाँ पर मैं पहुँच चुका हूँ। सो यहाँ मेरा टीचर जो कि मेरा मेस रूम है, यहाँ पर देख सकते हैं। दोस्तों एक बार हाय करना ऐसे करके सब लोग, वन टू थ्री हाय करो, थैंक यू सो मच। जो भी प्रोग्राम हो रहा है इसका वजह से हो पा रहा है, इसलिए हम सब दिल से धन्यवाद देना चाहेंगे। जानने के लिए हम पूछा क्या चल रहा है, किस बात के लिए डोनेशन कर रहे, तो ऐसे बोला कि जो ले चाय पी रहे हैं ऐसे कुछ बोला, तो ये हम लोग को भी बहुत अच्छा लगा। यहाँ आके कैसे लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। और आप जीनियर सर को क्या बोलना चाहेगा इस चीज को लेके, फेवर को लेके? कम ऑन गिव इट अप, थैंक यू वेरी मच, बोले यही बोलना चाहता हूँ। ओके और रेड यहाँ तरफ एक बार देखिए, बाद में ब्लॉग में जरूर देखना। हाँ यहाँ तरफ दर्शो, एक बार गुड इवनिंग एवरीवन, रेस्पेक्टेड ऑडियंस स्टूडेंट्स, up in few minutes we shall start the bottom program. Let all the seniors do the LF and then value is born. आप दोनों यहाँ क्यों आए हैं बता दो। देखिए ना सीधा सीधा, जवाब गुड, सबसे हैंडसम ये दोनों है, एसपी सर और ओसी सर, जवाब आप लोग बहुत हैंडसम लग रहे थे, आप लोग बहुत हैंडसम लग रहे हैं, आपके भी दिखा हाय हेलो बहन जी, आप एक बार देखना हाँ मास्क प्लीज एक बार नीचे कर दीजिएगा, मास्क ईश एक बार यहाँ तक दिखे, काफी खुश है क्योंकि कुछ इन लोगों का जो सजावट है, डेकोरेशन का जो स्टाइल है, कई ज़्यादा बहुत मेहनत किया है जो लोग, तो हम लोग एक बहुत अच्छा बेटर फील कर रहा है क्योंकि हम लोग उन लोग का सीनियर बन गया ना, बहुत अच्छा फील हो रहा है अभी। वैसे तो अभी यहाँ में क्या क्या प्रोग्राम होने वाला है? एक्चुअली यहाँ उन लोग का फेयरवेल है ना, हम लोग को उन लोग का प्रति जो प्यार है वो आज वो लोग पाया करेंगे, तो हम लोग भी एक इमोशनली उन लोग से अटैच तो था ही, लेकिन आज शायद उसका ऊपर भी थोड़ा चर्चा होना चाहिए, बातें कुछ आपस में शेयर करने से बहुत अच्छा रहेगा क्योंकि यहाँ से लेके हम लोग को फ्यूचर में कुछ मतलब यादें, यहाँ का जो दोस्तों का यादें लेके जाना है, तो यहाँ कुछ मन की बात होगा और तो कुछ तो नहीं है। और अपना कॉलेज को शायद या हम लोग बाय बाय कहने थे और फ्रेंड्स लोग का साथ में बाय बाय कहना पड़ेगा आज का दिन ना, तो अभी आप खुशी है ना दुख है? ऐसा तो दुख तो एक पार्ट है लेकिन खुशी का साथ दुख, ये तो एक बैलेंस है, लाइफ को बैलेंस करता है क्योंकि हमको एक तरह से इतना सारा जो प्यार यहाँ का जो डेकोरेशन को देखे तो एक खुशी महसूस हो रहा है, और आगे का दूसरा जो दुखी इसलिए है क्योंकि हम लोग ये 3 साल का जो हम लोग का मस्ती था वो आज के बाद मतलब कुछ ही पलों में कुछ ही दिनों के बाद थोड़ा वो खत्म हो जाएगा, इसलिए थोड़ा इमोशनली थोड़ा सैड है अंदर से, पर भी हम लोग ये लोग का मेहनत को देख के बहुत खुश है, हम लोग इतना प्यार दे रहे हैं।
सर जैसा कि आप जो है शायद अभी 3 साल हो रहा है, तो 3 साल के अंदर में आपने क्या क्या कुछ बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया, वैसे क्या? सबसे पहले तो मैं हमारे जूनियर्स को मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा। उन्होंने हम पॉलिटिकल स्टूडेंट बहुत ही ज़्यादा फ्रेंड्स है, तो उन्होंने बहुत ही मेहनत किया होगा, तो उसके लिए मैं तहे दिल से शुक्रिया कहना चाहूँगा। और एक्सपीरियंस तो इतना नहीं कर दे पाया, इतना लाभ नहीं उठा पाया हम लोग कॉलेज का, तो कोविड का चलते इसलिए उतना कुछ होने के लिए तो नहीं है। अभी आप कॉलेज ख़त्म होने जा रहा है, तो ये कॉलेज ख़त्म होने के बाद आपने क्या सोचा, क्या करने वाला? अभी तक तो कोई प्लानिंग नहीं है। आप तरह बताइए, जिस तरह रिजल्ट डिक्लेयर होगा उसकी बात ही पता चलेगा आगे क्या करना है नहीं करना है। अभी तो नहीं बोल सकते हैं अभी हम क्या करेगा। ऑनेस्टली मतलब आप एक स्टूडेंट है, एक सेंचर स्टूडेंट है, आपका रिजल्ट पॉजिटिव ही आएगा, उसमें कोई डाउट नहीं है, तो उम्मीद तो है। मतलब हमने पूछा है कि आप जो ये अभी इसका जवाब ये भी देगा। तो मेरा दोस्त लोग यहाँ पर ये खुशी जो एक दर्जी के लिए ओरिजिनल नहीं है, क्योंकि अभी ये लोग यहाँ से जाने वाले हैं जो अभी एग्जाम आ रहा है उसी का भी प्रेशर है, लेकिन मैं तो खुश नहीं हूँ, मैं बहुत आई नो आप बहुत खुशी है, एक आप एक सेंचर स्टूडेंट जो ऑलवेज खुशी होता है जब जब आप ये बेस के लिए अनाउंस होता है या एग्जाम अनाउंस होता है तब बहुत खुश होता है। ये आप कैसे बोल सकते हैं कि हम अभी हम लोग जिस पल के लिए इंतज़ार है वो अभी शुरू हो रहा है, जैसा कि अभी प्रोग्राम और हम लोग का डिपार्टमेंट के प्रोफेसर लोग भी पहुंच चुका है, अभी दिखाता हूँ। विदा होकर आप यहाँ से चले जाओगे, पर आशा यही है हमारी, जहाँ भी जाओगे खुशियाँ ही खुशियाँ पाओगे। लवेबल एंड वेरी एनर्जेटिक प्रोफेसर डॉक्टर अभय कांत जी और सर को मैं इस विदाई समारोह पर मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, और साथ ही साथ हमारे बीच बैठे हुए हैं द पेन इन द प्ले द ग्लिम्सेस ऑफ मेमोरी ऑफ योर कॉलेज डेज ऑल दीज